हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के वक्त आप अपना ध्यान किस तरह से रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पीरियड्स का आना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है। तो ऐसे में क्या होता है, कई लड़कियां जो होती हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, खास करके जो टीनेजर्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। महिलाएँ भी कुछ ऐसी ही होती हैं, कई बार घर के कामकाज की वजह से और ऐसी हालत होने की वजह से बहुत ज़्यादा मूड जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तो आइए जानते हैं आपने अपना ध्यान किस तरह से रखना है। बहुत ही आसान है। देखिए दोस्तों, पीरियड तो आते ही हैं हर हर महीने, तो वो सिर्फ 3 से 4 दिन ही जो है वो आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और पीरियड्स को आराम से, आप जो पीरियड्स का जो वक्त है उसको आराम से आप हैंडल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी साफ़ सफाई का अच्छे से ध्यान रखना है। आपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनने हैं, और कपड़े की बजाय अगर आप पैड का यूज़ करते हैं, किसी अच्छी कंपनी का पैड यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए, आपकी साफ़ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात का और ध्यान रखना है कि 4 से 5 घंटे के बाद आपने अपना पैड चेंज करना ही करना है। बेशक वो ख़राब हो गया है तब भी, नहीं ख़राब हो गया है तब भी, कई बार हैवी फ्लो की वजह से पैड जो है वो जल्दी गीला हो जाता है। तो ऐसे में आप जल्दी भी पैड चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 8-9 घंटे लगातार पैड रखने से आपको वजाइनल इन्फेक्शन हो सकती है, आपके यूट्रस तक भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो इस बात को हल्के में ना लें, आपने इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके बाद हम बात करते हैं हेल्दी डाइट के बारे में। तो पीरियड्स के वक्त क्या होता है, शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है ब्लीडिंग की वजह से। तो आपने अच्छे अच्छे खाने का, मतलब कि अच्छा आपने खाने में अच्छी अच्छी चीज़ें शामिल करनी है अपनी डाइट में। हरी सब्जियां खानी है, ताज़े फल खाने हैं, इसके अलावा आप फ्रेश जूस ले सकते हैं और नट्स खा सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स आपने खानी है। कि क्या होता है कि कई लड़कियां होती हैं वो पीरियड्स क्रैम्प्स में क्या होती है, दर्द में वो डार्क चॉकलेट्स खाती हैं, तो वो भी दर्द में डार्क चॉकलेट है वो जो बहुत ज़्यादा राहत देती है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। चॉकलेट्स तो वैसे भी हम लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो चॉकलेट खाइए, इंजॉय कीजिए। और इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ही आप घर से बाहर जाइए, नहीं तो आप घर पे ही रह के रेस्ट कीजिए। और सफाई से एक बात ध्यान में आई कि आपने आपने पहले और दूसरे दिन 2 दिन नहीं नहाना है, क्योंकि इस पीरियड्स के वक्त क्या होता है, बॉडी जो होती है वो आपकी एकदम से गर्म होती है, तो क्या होता है कई बार कई लड़कियों को फीवर भी रहता है। तो ऐसे में अगर आप नहाना चाहते हैं तो आप गुनगुने पानी से नहाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा है वो आपके शरीर के लिए। आपका शरीर भी जो अच्छे से साफ़ हो जाता है, और गुनगुने पानी से जो जो जर्म्स होते हैं, जो जितने भी कीटाणु होते हैं वो एकदम से दूर हो जाते हैं। तो आपने गुनगुने पानी से ही नहाना है। और अब बात करते हैं हम दर्द दर्द का, कि जो दर्द हो रहा होता है आपने उस दर्द से किस तरह से राहत पाना होता है। देखिए दोस्तों, ये जो नसें होती हैं पेट की, उनमें काफ़ी ज़्यादा ऐंठन सी, कुड़न सी, खिंचाव सा महसूस होता है, तभी हमें पेट में दर्द होता है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, हमेशा जब भी पानी पिए पीरियड्स में, आपने गुनगुना पानी पीना है, गर्म पानी पीना है। और बहुत अच्छा होगा अगर आप अजवाइन पानी पीएंगे, तो अजवाइन पानी पीजिए लेकिन गुनगुना पानी पीजिए। ठंडा पानी पीने से पेट की नसें जो हैं वो बहुत ज़्यादा और दर्द में आ जाएंगी, तो ऐसे में ठंडा पानी पीने से बचें, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें और बाहर का जूस पीने से बचें, ठंडी चीज़ें कोई भी ना खाएं। और इसी के साथ जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड कर दें। दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करने से क्या होता है, अंदर ब्लीडिंग की जो ब्लड ब्लड जो होता है उसके क्लॉट्स बन जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है पीरियड्स आने में और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऐसे में डेयरी प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड कर दें, और इसकी जगह पे आप हरी सब्जियां, फल, ताज़े फल और ताज़ा जूस, घर का निकाला हुआ जूस, ये सब आप ले सकते हैं। नट्स आप ले सकते हैं, ग्रीन टी पीरियड्स के दर्द को कम करने के लिए, ग्रीन टी, हर्बल टी और अदरक, लौंग और तुलसी की आप चाय ले सकते हैं, ये भी आपके पेट के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो आप इन चीज़ों को लीजिए। इसके अलावा डार्क चॉकलेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं लोग, तो उनका डार्क चॉकलेट भी आप ले सकते हैं। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं मूड स्विंग्स की, क्या होता है, बहुत सी लड़कियां होती हैं, महिलाएं भी होती हैं, महिलाएं जो होती हैं वो घर के काम काजों की वजह से, और ख़ास करके इस वक्त में जब पीरियड्स चल रहे होते हैं, तो ऐसे में उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ऐसे में आपने अपना ध्यान रखना है, अपने आप के साथ खुद से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है। आप अपनी फेवरेट कोई डिश बना के खा सकते हैं, आप अपना मन कहीं और लगाइए, अपने कोई भी फेवरेट एक्टिविटी कीजिए, स्टोरी बुक्स पढ़िए या कोई पेंटिंग बनाइए या फिर कोई अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी फेवरेट मूवी देख सकते हैं।
तो ये चीज़ें करके क्या होता है, सिर्फ 3 से 4 दिन का ही जो टाइम होता है वो आपने अपने साथ स्पेंड करना है, आपने खुद की केयर करनी है, सेल्फ केयर करनी है, आपने खुद का ख्याल अच्छे से रखना है, क्योंकि मंथ में सिर्फ एक बार ही जो है वो पीरियड्स आते हैं, तो आपने अपने अच्छे से ख्याल रखना है। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो दिन है वो निकल जाते हैं और आपके पीरियड्स जो हैं वो आसानी से चले जाते हैं। बस आपने 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 सिर्फ हाइजीन का, साफ़ सफाई का अच्छे से ख्याल रखना है, पैड्स टाइम टू टाइम चेंज करना है, हेल्दी डाइट लेनी है, और पीरियड्स क्रैम्प में आपने, दर्द में आपने क्या करना है, बस गर्म पानी ही पीना है, अजवाइन वाला पानी पीजिए, लौंग अदरक तुलसी की चाय पीजिए, डार्क चॉकलेट्स खाइए, और नहाना है तो गुनगुने पानी से नहाइए। ये आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शरीर जो है वो गर्म होता है, और ऐसे में ठंडे पानी से नहाने से कई बार क्या होता है, नसें जो है वो और ज़्यादा सिकुड़ जाती हैं और ऐसे में और ज़्यादा दर्द होता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। बस आपने ऐसा करना है कि इतना याद रखना है कि गर्म चीज़ों का ही सेवन करना है। और हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि आपने पानी ज़्यादा पीना है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है, शरीर में खून की कमी तो होती ही होती है, और इसी के साथ आपके शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। तो ऐसे में आप खुद को हाइड्रेट रखें और पानी ज़्यादा पिएं और गुनगुना ही पिएं। बस पीरियड्स में जो पीरियड्स के जो क्रैम्प्स होते हैं, जो दर्द होता है, अगर उसमें आपने राहत पानी है तो आपने पानी ज़्यादा पीना है और वो भी गर्म। और लास्ट हमारा पॉइंट एक और है कि एसेंशियल ऑयल से अपने पेट की मसाज करें, इससे आपको और भी ज़्यादा राहत मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पे, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।